आज देख लो ओशिया के अंदर विपक्ष की भूमिका अंदर कौन लड़ रहा है, सड़क पे कौन लड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी दावे जरूर कर रही है लेकिन सड़क पे लड़ रही है वो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी लड़ रही है, जो आज किसानों के विपक्षी पूरे राजस्थान में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी लड़ रही है। नमस्कार, समाचार में आपका स्वागत है। अघोषित बिजली कटौती को लेकर ओशन क्षेत्र के किसान बहुत परेशान हैं। इस दौरान अघोषित बिजली कटौती को लेकर युवा मोर्चा ब्लॉक अध्यक्ष आरएलपी छोटू कैलाश उदार के नेतृत्व में प्रदर्शन किया गया। इस दौरान ओशन पूर्व प्रधान भोमाराम चौधरी, पंचायत सदस्य अमराराम पुनावत, मांझला सरपंच ओम प्रकाश जी जानी, ऊर्जा राम, यूनिस खान, अब्दुल समद, सीपी चौधरी और महेंद्र भवाल आदि कार्यकर्ता आरएल मौजूद रहे वहाँ पर। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी युवा मोर्चा जोधपुर की तरफ से ये जो धरना प्रदर्शन हमने पहले 5-7 दिन पहले मतदानिया में और दिया था, और किसानों को जब मांग जरूरत अब है और मैं अब बिजली कटौती आप मान लो 6 घंटे देती है उसमें 5 से 6 बार जो ट्रिपिंग देती है उससे तो किसान बहुत परेशान होता है, उनकी मोटरें खराब होती है, तो उनको लेकर हम मतानिया में भी दिया था और आज त्यूरी पे भी देने की कोशिश। हमारी मांग यही रहती है और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी किसानों के लिए सदैव लड़ती रहती है। आपको पता है आज राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने इन साहब को देख के ये आश्वासन किया, इन्होंने कहा कि हम बहुत जल्दी 2-3 दिन में इसका सुधार कर लेंगे, तो हमें तो उम्मीद रहेगी कि जल्दी जल्दी किसानों, हमारा मकसद राजनीति करने का नहीं, हम तो ये होते किसान को फायदा कैसे हो, किसान को नुकसान नहीं हो, इस चक्कर में और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी सदैव किसानों के लिए लड़ती रहेगी। आज देख लो ओशिया के अंदर विपक्ष की भूमिका अंदर कौन लड़ रहा है, सड़क पे कौन लड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी दावे जरूर कर रही है लेकिन सड़क पे लड़ रही है वो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी लड़ रही है, जो आज किसानों के विपक्षी पूरे राजस्थान में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी लड़ रही है। तो ओशिया में भी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी है, विपक्ष बाकी विपक्ष है ही नहीं, सब सपने देख रहे हैं एमएलए बनने का, लेकिन जवानों और किसानों के लिए सड़क पे कोई लड़ने के लिए तैयार नहीं, सिर्फ राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी लड़ रही है और आगे भी लड़ती रहेगी, हमारा संघर्ष जारी रहेगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन के निशान को जरूर दबाएं।